सचिन सावंत ने जो ट्वीट किया है ना, वो एक फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार का व्यक्ति है सचिन सावंत, क्योंकि उनको क्या हो गया कि वो विधान परिषद में जाना चाहते थे, उनकी पार्टी भेजती नहीं, इसलिए उनमें निराशा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जो कोई वो संदीप सिंह है, मुंबई पुलिस के पास जब केस थी उस समय किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस समय ट्वीट क्यों नहीं किया? मुंबई पुलिस ने पहले दिन ये घोषित कर दिया, अभी उनकी पार्टी सत्ता में है ना, मुंबई पुलिस ने पहले दिन ये घोषित कर दिया कि भाई ये सुसाइड है, उसके ऊपर ट्वीट क्यों नहीं आया? और जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दिया तो ट्वीट क्यों नहीं आया? अब जैसे परतें खुल रही है तो इश्यू को चेंज करने के लिए, जैसे जैसे इनकी कलई खुल रही है तो विषय को अलग अलग प्रकार से मोड़ने के लिए ये प्रयास वो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक ट्वीट किया, वैसे किसी और ने ट्वीट किया, और एक बड़े ही ज्येष्ठ नेता की फिल्म कैसे संदीप सिंह बना रहे थे, इसका भी ट्वीट आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर जो कोई अभी जिस प्रकार से सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं, इससे बौखला कर इसको किस प्रकार से डायरेक्शनलेस किया जाए, इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। देखिए, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और लोगों को भी इस केस में राजनीति से लेना देना नहीं है। लोगों को ये लगता है कि एक मिडिल क्लास से आया हुआ, मध्यम वर्ग से आया हुआ एक होनहार नौजवान ये मुंबई में आकर बॉलीवुड में एक अपनी जगह बनाता है, करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाता है, और ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार से मृत्यु होना कि जिसमें बहुत बड़ा संशय लोगों के मन में तैयार हुआ है, सर्कमस्टांसेस जिस प्रकार से दिख रहे हैं इससे लोगों के मन में बहुत शंका है, और इसलिए लोगों को राजनीति नहीं, लोगों को सच चाहिए। जिस सच को छुपाने का प्रयास हो रहा था और परत दर परत अब जो सच बाहर निकल रहा है, वो सच बाहर आए इतने लोगों की अपेक्षा है। बाकी राजनीति में ये होता है या वो होता है, इससे लोगों को कोई लेन देन नहीं है। खतरा लगता है क्या आपको? देखिए, गवर्नमेंट का खतरा वगैरह ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा कि अब जब इतने एविडेंस बाहर आ रहे हैं, तो ये जिस समय महाराष्ट्र में पुलिस के पास ये केस थी उस समय ये एविडेंस क्यों नहीं आया? और मैं बहुत साफ बताता हूँ कि मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है। मैंने मुंबई पुलिस के साथ गृह मंत्री के रूप में 5 वर्ष काम किया है, ये बहुत प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। जरूर कोई ना कोई दबाव पुलिस के ऊपर आया होगा कि जिसके चलते पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की, और इसलिए ये केस सीबीआई की तरफ गया, और इसलिए मैं नहीं जानता ये क्या दबाव है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।